और हम कहाँ हैं? चला गया क्या? नहीं नहीं, वो सो रहा है अपने कमरे में। आपको तो पता है कितने दिन हो गए बेचारा बहुत अफसरदा है। पापा बहुत जल्दी चली गई है, उनके तो अभी बेटे की खुशियां देखने के दिन थे। शफा कहाँ है? शफक जरा बाहर शॉप पे गई है, उसे कुछ नोट्स वगैरह चाहिए थे, आती ही होगी। हेलो जी, वालेकुम सलाम। नहीं नहीं, वो फोन उठाने की कोई बात नहीं है, आपको तो पता है घर में पुरसे के लिए लोग आ रहे हैं तो बेल की आवाज नहीं आई। नहीं, सोई हुई आवाज नहीं है, रोई हुई आवाज है। ये मां मेरी, ये कोई मजाक थोड़ी है। क्या क्या हो गया? मेरा कोई सामान फ्री में थोड़ी रखा हुआ है, एडवांस दिया हुआ है भाई मैंने। ओ हेलो, मुझे भी वहां आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने घर आ चुका हूं। खबरदार, अगर मेरे सामान को छुआ भी, कोई भी चीज इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। अरे रुझान, आप बैठिए ना, मुझे बुला लेते, आपने क्यों तकलीफ किया आने की? देखो, तुम फौरन जाकर मालिक मकान के ड्यूज क्लियर कर दो। ये माहवार बिल्स, किराया वगैरह अगर जिम्मेदारी से अदा ना किए जाए तो सर चढ़ जाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे सर पर कुछ नहीं चढ़ा हुआ, वो सब कुछ एडवांस में निपट जाएगा। एडवांस में कटवा दोगे तो फिर रहोगे कैसे? मुझे अब वहाँ रहने की क्या जरूरत है? मैं तो अपने घर आ गया हूँ आप लोगों के साथ यहाँ पर। तीन दिन सोख के थे, फिर तुम्हारी खाला का ध्यान तुम्हारी तरफ लगा हुआ था। मेरे ख्याल में अब तुम्हें चले जाना चाहिए। खालू जान, आप अभी तक फाइन मुझसे, मैं अपनी वजाहत देना चाहता था, मुझ पर इल्जाम था। मैं इस मौजू पर बात करने नहीं आया हूँ। खाना खाकर जाना, तुम्हारी खाला ने तुम्हारी पसंद का कुछ बनाया है। खालू जान, मेरी बात तो सुन। जिसको मांग